पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आई है। इस हत्याकांड की जांच कर रहे अधिकारियों की माने तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला से गाना गवाना चाहता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला उसके लिए गाना गाए। सूत्रों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ चाहते थे कि मूसेवाला उन लोगों के लिए गाना गाए। इसके साथ ही एक और जानकारी जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि गाना गाने के लिए मूसेवाला को धमकी भी दी गई थी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेल की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस बात का खुलासा किया है। लॉरेंस ने बताया है कि सिद्धू मूसेवाला से गवाने के लिए उसने उन पर पहले भी दबाव बनाया था। यहाँ तक कि कई बार इसके लिए लॉरेंस के गुर्गों ने सिद्धू मूसेवाला को धमकी भी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसलिए सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बीहा गैंग के संपर्क में आ गए थे। लॉरेंस बिश्नोई से स्पेशल सेल की पूछताछ के दौरान हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास लॉरेंस की कस्टडी से भगाने की साजिश के भी इनपुट हैं। इसलिए रिमांड और पेशी के दौरान उसको जबरदस्त सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। जांच एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि अगर उसे कभी कोर्ट से जमानत मिलती है तो वो विदेश भी भाग सकता है, जिसकी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इस गैंग की आमदनी का मुख्य जरिया फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल, जबरन उगाही जैसे काम है। रिपोर्ट के मुताबिक कब कहां क्या करना है ये आज भी जेल में बैठकर लॉरेंस ही तय करता है। लॉरेंस पर 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो एक बार पुलिस हिरासत से फरार भी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट।